धवन, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे हैं यहाँ वर्ड मीनिंग याद एक ऐसी टेक्निक से कि आप खुद का नाम भूल सकते हैं लेकिन वोकैब नहीं भूलेंगे, वर्ड्स नहीं भूलेंगे। सो गाइस, स्वागत है आप सबका और करते हैं स्टार्ट आज की हमारी क्लास। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वेलकम बिंदु। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि स्टोरी बताने वाले को क्या कहते हैं और मैंने चार ऑप्शन दिए थे, रेकॉन्टेर, एलजी, क्लाइंटल, फॉर्जरी। तो सही आंसर उसका ये था और आज मैं बताने वाला हूं उसकी स्टोरी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम याद करेंगे वर्ड्स और ये याद रहेंगे भी आपको बहुत 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 लंबे टाइम तक। ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाले हैं। सो गाइस, ये हमने कल बता दिया था एनेक्डोटिस्ट। ठीक है, क्योंकि एनेक्डोट जो वर्ड होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी के लिए होता है। एनेक्डोट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, तो ये भी एक नाउन ही होता है। ठीक है, एलजी का मतलब क्या होता है? एक शोक गीत। क्लाइंटल का मतलब ग्राहक गण और फॉर्जरी का मतलब कोई जालसाजी, कूट रचना, धोखाधड़ी, ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं रेकॉन्टेर की। देखो जी, इस वर्ड को याद करने के लिए हमने इसको तो बना दिया राह। जैसे हरियाणा में जब भी किसी को आवाज मारनी होती है तो अगर अरे बोलना है तो अरे की जगह लोग राह बोलते हैं। अरे छोरा किधर है, अरे किथे छोरा, राह बोलते हैं। राम मैं देख लूंगा, तो राह, राह का मतलब अरे वाला है ये। इसको अपने बना दिया कुंती और इसको अपने बना दिया टूर। देखो ये माँ भारत वाली कुंती है, ये थोड़ा हमारे टाइम वाली है, ये तुम्हारे टाइम वाली होगी। ठीक है, मान लो कुंती नाम की एक लड़की है, एक लेडी है जो टूर पे जाने का काम करती है, रोज टूरिंग का काम रहता है और उसके सामने रोज कई कहानियां नजर आती है, वो कई चीजें नोट करती है, ऑब्जर्व करती है, कई कहानियां होती है और कई कहानियां तो खुद के साथ भी हो जाती हैं। तो उसका काम है कि कुंती ने रोज आके कुछ कहानियां सुनानी है कि आज टूर पे क्या हुआ। तो जैसे ही कुंती आ जाती है तो मान लो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं कोई, वो आवाज मारती है, रख कुंती को बुलाओ, रख कुंती क्यों आज टूर पे, कहानी तो सुना कोई, तो रख कुंती टूर। ठीक है, आई होप बात समझ आएगी। अरे शालू, तेरा तो इंट्रोडक्शन ही इतना जबरदस्त है। ओके जी, ठीक है, ये हमने अभी बताया था एलजी यानी शोक गीत कहते हैं इसको, विलाप गीत कहते हैं, यही जो है वो डायर्ज का मतलब होता है, इसको दर्जी बोल रहे हैं फिलहाल तो अपने याद करने के लिए, शोक गीत, विलाप गीत। ठीक है, लेमेंट का मीनिंग, लेमेंट क्योंकि वर्ब भी हो सकता है, रोना, शोक करना, विलाप करना, और ये विलाप, शोक, इन चीजों को भी बोलते हैं। अब देखिए अपने पास स्टोरी क्या है। देखो, एक इसको तो अपने बना रहे हैं दर्जी और ये बन गया ई ले गई। ठीक है ना, ये ई बन गया ई, ये ले और ये गई, ई ले गई। देखो जी, अब क्या स्टोरी क्या है हमारी, देखिए इमेजिन करो, एक बार एक दर्जी की वाइफ मर जाती है। तो दर्जी जो है, लोग बड़ा फेमस दर्जी होता है तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो दर्जी जो है, वो जब वो मरती है, उसकी वाइफ जो मरती है, तो वो एक शमशान घाट पे गाना गा देता है, बहुत ही दुखी दुख वाला गाना गा देता है कि तेरी कदरदानियां और इस, और मेनली वो गाना गाता है कि क्योंकि वो बिहार का है, मान लो तो वो बोल देता है वी ले गई हमारे सारे सुख। ठीक है ना, दुख नहीं सुख, हाँ ई ले गई हमारे सारे दुख नहीं सुख है, तो मान लो ऐसा बोल रहा है कि ई ले गई हमार सारे दुख, ई ले गई अपने साथ हमारा सब कुछ। वो ऐसा माहौल बना देता है कि लोग रोने लग जाते हैं, मतलब लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी देखा ही नहीं होता। तो अब क्या होता है उस गांव में, जब भी किसी के यहाँ डेथ होती है तो लोग कहते हैं यार वो बात नहीं बन रही, वो माहौल नहीं बन रहा। तो क्या माहौल नहीं बन रहा, तो माहौल कैसे बने, माहौल के लिए दर्जी को बुलाओ भाई।
तो अब क्या है, किसी की माँ मरे, किसी का बाप मरे, तो लोग कहते हैं यार वो माहौल वैसे ही बनाना है जैसा तूने बनाया था ना अपने वाइफ के मरने पर, तो बढ़िया सा वो शोक गीत गा दो। तो अब लोग उस दर्जी को शोक गीत बुलाने के लिए ले जाने लग गए हैं, और वो बहुत ही प्यार से, ठीक है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है और बढ़िया गाना गाता है। तो हमारे पास स्टोरी में दर्जी है जिसने पहली बार गाना गाया था ये वाला, भी ई ले गई हमारे साथ अपना सब कुछ, इतना गाना था, बड़ा माहौल बनाया, पहली बार शोक गीत का रिवाज चला दिया उसने। ठीक है जी, तो दर्जी आ गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लेमेंट। लेमेंट के अंदर देखो ये वर्ड आ रहा है लेम, और लेम का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है, और यहां पे क्या है ईंट। अब मान लो एक इंसान ने किसी को ईंट मारी और लंगड़ा बना दिया, तो लंगड़ा मारते ही, मतलब ईंट मारते ही वो क्या करने लग गया, विलाप करने लग गया। विलाप करना भी होता है ना, विलाप करना, शोक करना कि हाय अब तो मैं लंगड़ा हो गया, मैं कैसे चलूंगा, तो रोना, शोक करना, विलाप करना, क्यों, क्योंकि किसी ने ईंट मारी और क्या कर दिया, लंगड़ा। ठीक है जी, हमें याद कैसे रखना है, देखो जी कि दर्जी शोक गीत गाता है, और उसने शोक गीत कौन सा गाया था, भी ई ले गई, और लेम यानी लंगड़ा बना दिया ईंट मारकर, तो जैसे ये काम हुआ तो वो रोने लग गया बंदा, या वो शोक करने लग गया। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, दीजिए जरा आंसर। ठीक है, ये एक फिलर है, यहां पे इन चारों में से आपको कुछ भरना है, और भरेंगे आप तभी जब आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर होगा इसका। जल्दी 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 दीजिए जरा आंसर। चलो करण ने अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग। चलिए जी मैं आंसर दे रहा हूं, करण ने ट्राई अच्छा किया और सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। देखिए जी, रॉबर्स जो होते हैं यानी जो लुटेरे होते हैं, वो हमेशा मिली भगत के साथ काम करते हैं पुलिस की, क्योंकि ये वर्ड हमने अभी एक दो दिन पहले कराया भी है। ठीक है, कनेक्शन का मतलब सबको पता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वैसे मिल के काम करना, ये शब्द पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन और कोल्यूजन, इसमें भी मिलके ही काम करना है, इसमें भी मिलके ही काम करना है, लेकिन ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। अब रॉबर्स और पुलिस अगर मिलके काम करेंगे ना, तो वो मिली भगत कहलाएगी, वो कोऑर्डिनेशन नहीं कहलाएगा। और कंफर्मिटी जो होता है, इसका मीनिंग होता है किसी स्टैंडर्ड के अनुरूप किसी चीज का खरा उतरना, पूरा उतरना, तो अनुपालन, अनुरूपता, ये वैसा वाला वर्ड बन जाता है। ठीक है रचना, बहुत लेट आ जाइए, बहुत लेट जवाब दिया है, चलो वेलकम। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना, ठीक है ना, कोल्यूजन वर्ड हम कर चुके हैं, वो जो अपन ने उसकी स्टोरी आपको बताई थी, कालू और लोशन वाली, इसको कालू बनाया था, इसको ल्यूजन को लोशन बनाया था, तो याद होगा आपको, हमने स्टोरी कर ली है क्लास के अंदर कि उसके दोस्तों ने मिली भगत करके कालू को ऐसा लोशन दिया जिससे वो गोरा हो जाए, पर होना वाना कुछ नहीं था, तो मिली भगत थी सबकी बस। ओके देखिए, डैंडी। डैंडी का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत बढ़िया हो, उसको डैंडी कहा जा सकता है। ठीक है, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब एक ऐसा लड़का, ये लड़के की तरफ ही जाएगा जो बड़ा छबीला नौजवान जिसको बोलते हैं, यानी पूरा सजा सवरा, पूरा जिसको ध्यान हो, यानी अ मैन हु इज मच कंसर्न्ड विद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी पूरे अच्छे से ड्रेस पहनी हो, अच्छे से उसने बाल वाल मूछे दाढ़ी ओके बिल्कुल सब सेट कर रखा हो, तो उसको डैंडी बोलते हैं। अब स्टोरी क्या है इसकी जी, तो इसको डैंडी से हमें क्या याद रखना है, दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी नमक वाली। देखिए अब क्या स्टोरी बनती है इसकी, देखो इमेजिन कि एक बार एक लड़का है, मान लो आप, मान लो खुद को, तो मान लो आप जो है वो घर वालों को बोल रहे हो कि हम दोबारा से दांडी यात्रा करेंगे, तो
तो घर वाले कहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी इस युग में भी आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो। घर वाले ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड, श्रेष्ठ चीज करने जा रहे हो तो अपने करियर में बहुत बढ़िया करोगे। तो अब क्या है, अब आप जो है वो हेड हो, आप ही वो दांडी यात्रा प्लान कर रहे हो, तो सब लोग आप निकल रहे हो, पैदल यात्रा होगी फिर से, तो आप क्या है पूरे 2 दिन से कपड़े खरीद रहे हो, पूरी मसाज वसाज पार्लर वार्लर। तो घर वाले कह रहे तूने तो तू कह रहे थे मैंने दांडी यात्रा पे जाना है, तो वहां तो धूप में चलना है, पैदल चलना है, और ये क्या कर रहा है कि पापा मीडिया होगी, फोटो आएगी, तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो मेन तो बंदा ही मैं, वैसे भी मैंने आगे होना, मेरा तो पूरा कवरेज होगा, तो मैं थोड़ा ध्यान तो रखो अपनी अपीयरेंस का, अपने लुक्स का। तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो दांडी यात्रा वाला, लेकिन उस दांडी यात्रा के चक्कर में पूरा ध्यान किधर है, अपनी लुक्स पे, अपनी अपीयरेंस पे। ठीक है, आई होप याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्टैम्पेड, भगदड़। मंदिरों में, मेलों में बहुत भगदड़ होती है, ठीक है ना, ये नाउन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। एकदम से जब लोग जानवरों की तरफ भाग, किसी किसी जानवर से डर के, या वैसे एकदम से कोई कुछ बोल देता, जब एकदम से भागते हैं लोग, तो नाउन भी है ये और वर्ब भी हो सकती है, भगदड़ मचाना या करना। स्टैम्पेड ऑफ न्यू एप्लीकेंट्स, यानी पूरी की पूरी एक भगदड़ जो थी नए एप्लीकेंट्स की। और द गनशॉट स्टैम्पेडेड, यानी गोली की आवाज ने क्या कर दिया, भगदड़ मचा दी, किसकी, पशुओं की। देखिए स्टोरी क्या है इसकी, इसको अपने बना रहे हैं स्टैम्प को, स्टैम्प पेपर वाला, और इसको अपने बना रहे हैं पेड़े, जैसे मथुरा या आगरा के पेड़े जो होते हैं, मथुरा के पेड़े होते हैं शायद, आगरा का पेठा होता है, ठीक है ना, ये मथुरा वाले हैं। मथुरा, ठीक है जी, मथुरा का पेड़ा। स्टोरी क्या है गाइस, मान लो एक बार किसी नोटेरी ने, आपने सुना होगा ना नोटेरी जो होते हैं जो स्टैंप लगाते हैं, तो उनके पास क्या है, वो स्टैंप पेपर मिलते हैं। तो देखो धंधा है, बिजनेस है, आप कोई स्टैंप पेपर लेने जाते हो 100 रुपए का, तो वो 120 का मिलता है, 125 का मिलता है, तो ऐसा कमाई होती है सबकी। तो मान लो एक किसी किसी नोटेरी ने नया बिजनेस शुरू किया स्टैंप बेचने का, तो उसने स्कीम निकाल दी कि स्टैम्प पेपर खरीदो, ठीक है ना, स्टैम्प पेपर खरीदो, और मतलब उसने न्यूज़पेपर में ऐसा निकाल दिया कि आप 500 का, 50 रुपए का, 50 का स्टैम्प पेपर खरीदो और 1 किलो आगरा मथुरा के पेड़े फ्री। अब दरअसल उसने न्यूज़पेपर में निकालना तो ये था कि 5,000 का स्टैम्प पेपर खरीदो तो वो 300 रुपए वाले मथुरा के पेड़े फ्री। तो गलती से ये 2 जीरो रह गई और सिर्फ 550 लिखा हुआ आ गया कि 50 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदो और 300 रुपए के पेड़े फ्री। अब भैया वो आखिर वो एक अच्छा नामी नोटेरी था, तो उसकी दुकान पर पेड़े खरीद, मतलब मेनली तो पेड़े लेने ही आए लोग, स्टैंप तो बहाना था, लोग भीड़ लग गई लोगों की और भगदड़ भी मच गई। ठीक है, तो स्टैंप के बहाने वो जो पेड़े लेने आए थे लोग, वो उनकी पूरी भगदड़ मच गई, जबरदस्त भीड़ हो गई वहां पे। ठीक है जी, स्टैंप पेड़े, तो भगदड़ हो गई वहां पे। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए एक, और अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश, कोशिश करिए कोशिश करिए कोशिश करिए आंसर देने की। चलो करण जो है वो आंसर तो देने लग गया, ये अच्छी बात है, दैट्स गुड। हाँ जी, कोई और?
चलिए भाई मैं ही आंसर देता हूं, रचना ने दिया फिर इसका सही आंसर। तो रचना ने पहले सी दिया था फिर बी दिया, चलो कोई बात नहीं, सही आंसर इसका बी है जी, असेसमेंट। असेसमेंट की हिंदी क्या होती है? आंकलन, यानी किसी चीज को पूरा चेक करना, एग्जामिन करना एक तरीके से, ठीक है ना, एग्जामिनेशन जिसको अपने बोलते हैं, एनालिसिस टाइप का कुछ कह सकते हो, चेक पूरा का पूरा आंकलन करना भी, ये कैसा है कैसी हालत में है। द लेटेस्ट असेसमेंट ऑफ हाउ चिल्ड्रन आर फेयरिंग इन स्कूल्स इन रूरल एरियाज की अभी अभी आंकलन किया गया है कि गांव में जो बच्चे हैं वो कैसे पल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कैसा भोजन कर रहे हैं, कई मीनिंग होते हैं फेयर के, ठीक है, बसना भी होता है, रहना भी होता है, कैसे रह रहे हैं स्कूल्स के अंदर। देर हैज बीन नो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम्स, यानी जब आकलन किया तो पता चला कि उनकी लर्निंग आउटकम्स के अंदर, यानी जो उनके सीखने में जो रिजल्ट मिलना चाहिए था उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी कोई कुछ नहीं हो रहा है ऐसा खास, ठीक है। अब क्या मीनिंग होता है नोशन का, परसेप्शन का, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए नोशन का मतलब होता है सिंपल भावना, ख्याल, राय, कि मेरी किसी चीज के बारे में क्या राय है, आपका क्या ख्याल है जो अपने कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट हमने कर लिया, और कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, अटकलबाजी, निराधार कल्पना, यानी कोई ऐसा आपका अनुमान जिसके बारे में वैसे आपको कोई पूरा, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है, अनुमान है। हेलो पंकज, हेलो, गुड इवनिंग। देखिए जी, तो कंजक्चर को हम कैसे याद करेंगे, देखिए जी कंजक्चर के लिए हमारे पास एक स्टोरी है, और कंजक्चर का जो सिनोनिम है वो एक सरमाइज भी कह सकते हैं अपने, ठीक है ना, वैसे तो इनको अपने गेस करना और सपोजिशन भी कह सकते हैं, तो ये अनुमान लगाना है। तो एक तो सरमाइज हमारे पास शब्द आ गया जो नाउन और वर्ब दोनों में, सरमाइज और कंजक्चर में एक छोटा सा फर्क है, इसमें सिर्फ हम एक अनुमान लगाते हैं, भी आइडिया लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि ठीक है जी ये चीज इसकी वजह से हो सकती है, और यहां पे अनुमान लगाने के साथ साथ ये एक नेगेटिव वर्ड भी है, यानी संदेह करना या संदेह या शंका, ये इसमें थोड़ा ज्यादा, एक नेगेटिव जो फीलिंग है वो सरमाइज में ज्यादा है। अब देखिए जी, तो पहला वर्ड हमारे पास है कंजक्चर, इसको अपने बना रहे हैं कंजक, ये जो इतना टुकड़ा आ रहा है ना ये क्या बन रहा है, कंजक। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी अष्टमी और नवमी वाले दिन कंजक बिठाई जाएगी, और ये है टूर, ठीक है जी, टूर, जब टूर पे जाते हैं। तो पहली स्टोरी क्या है, तो पहली स्टोरी क्या है, देखो अभी हमारे पास दो वर्ड है, अभी एक हमारे पास है कंजक और एक हमारे पास है टूर। इमेजिन करो कि दो औरतें हैं, दोनों के पति जो है वो टूरिंग का काम करते हैं, तो टूर पे जाते हैं। तो एक औरत ने दूसरी अपनी सहेली से पूछा, मान लो उसके घर पे ही थी सुबह सुबह जब उसके पति निकल रहे थे, तो जब उसके पति निकल गए तो उसने कहा हाय तेरे पति जो है वो जब टूर पे जाते हैं तो किसी कंजक के पांव नहीं छूते। तो वो कहती नहीं मेरे पति तो किसी भी कंजक के पांव नहीं छूते। फिर मेरे पति तो कंजक के पांव छूके ही जाते हैं। तो फिर दूसरी वाली कहती अच्छा तो फिर इससे मतलब हमेशा अच्छी पेमेंट मिलती होगी, अच्छी सेल होती होगी, सब कुछ अच्छा ही होता होगा। कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे तो कोई चार पांच बार वो पिटके भी आए हैं। तो फिर इसका मतलब ये जो अनुमान था या ये जो आपका आइडिया था या आपका ये जो एक विचार था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हमें ऐसा अनुमान था कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा था, तो गलत हो गया ना। तो आपकी जो अनुमान था उसका कोई आधार नहीं रहा कि कंजक की पूजा करके घर से निकलने से सब अच्छा होता है, टूरिंग अच्छी होती है, तो ये निराधार हो गया काम। दूसरा हमारे पास वर्ड था सरमाइज, ठीक है ना। तो सरमाइज को अपन ने कैसे याद किया था, इसको तो अपने बना रहे हैं सर, सर यानी कोई टीचर, और माइज का अपने बना रहे हैं माइस, इसको अपने माइस कह सकते हैं, माइस, माइस यानी चूहे। इमेजिन करो कि एक बार आप अपने किसी टीचर के घर गए, ठीक है ना, मेरे को मत इमेजिन करना बस, मान लो आप अपने किसी टीचर के घर गए, आप उसको उनको आवाजें दे रहे हैं और वो खड़े ही नहीं हो रहे, अब उधर से आवाज नहीं आ रही, तो फिर गेट आपने थोड़ा सा जोर लगाया तो खुल गया। अब आपने देखा टीचर अंदर सोए पड़े हैं और दो चार चूहे उनको खा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, उनको
काट रहे हैं, कुतर रहे हैं। तो आपको शक हुआ, शक तो आपको खैर पहले ही हो गया था भी सर आवाज क्यों नहीं दे रहे। फिर जब आपने देखा कि सर लेटे हुए हैं और चूहे उनको कुछ खा रहे, तो आपको शक हुआ भी कुछ गलत है। तो देखा तो सर बेहोश थे, तो आपने फटाफट चूहों को उठाया और सर को पानी मानी छिड़क के खड़ा किया। तो सर को माइस खा रहे थे, तो देखते ही शक हो गया अभी कुछ तो गलत है, और गेट भी नहीं खुल रहा था। तो शक होना, संदेह होना, थोड़ा आइडिया लगाना, थोड़ा आइडिया होना। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा एंटीसिपेट। ये भी थोड़ा इस तरह का ही वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है, पहले से ही आइडिया लगा लेना, पहले से ही आइडिया लगा लेना भी यही होने वाला है, ठीक है ना। देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब हमने बात की थी कंजक्चर की, तो थोड़ा सफर किया था कि हम कह रहे हैं कि किसी चीज के पीछे हम अनुमान लगाते हैं भी ये कारण होगा। ये सिर्फ क्या है, कल्पना है भी। अगर ये काम मान लो कुछ हो चुका है या कुछ होता रहता है तो आप आइडिया लगाते हो। जैसे मान लो कोई इंसान रोज रात को ही आता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि शायद बेचारे की जॉब रात को खत्म होती हो, ठीक है ना। या कोई रात को ही निकलता है तो क्या पता। तो ये आइडिया लगाने वाली बातें होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन फॉरकास्ट, फॉरसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है ना, एज्यूम करना, मानना। तो ये चलो एज्यूम और कंजेक्चर फिर भी थोड़ा थोड़ा एक जैसा बैठ सकता है। तो पूर्वानुमान यानी पहले से ही आइडिया लगा लेना। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेयर यानी जो मेले के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने एंटीसिपेट किया यानी आइडिया लगाया कि लार्ज क्राउड आएगा, उन्होंने आइडिया लगा लिया। अब इमेजिन करो यहां पे स्टोरी क्या है, इसको अपने बना रहे हैं आंटीसिपेट, ठीक है। सो इमेजिन करो कि आपके यहां पड़ोस में कोई आंटी रहती है, और ठीक है आपके पड़ोस में एक आंटी रहती है जो पेट पर हाथ लगा के बता देती है कि फ्यूचर में आपके क्या होने वाला है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का होने वाला लड़की होने वाला है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। सो इमेजिन करो कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं जा जा आंटी को पेट दिखाया, जाना आंटी से पेट दिखाया, तो आंटी थोड़ा बता देगी, आइडिया दे देगी भी क्या होने वाला है, ठीक है। तो लोग तो बोलते ना हाथ दिखाया, तो लोग क्या बोलते जा आंटी से थोड़ा पेट पे हाथ मरवाया, जा पेट दिखाया, ठीक है ना, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए भी क्या होने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो फटाफट, इससे पहले कि कोई डिसलाइक वाले बहुत खड़े हैं अपने पास। वीरेसिटी, वीरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रुथफुल, या ये ट्रुथफुलनेस कह सकते हैं, ठीक है ना, सच्चाई। वी क्वेश्चन द वीरेसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, यानी हमने सवाल उठाया सच्चाई पर, जो उसके बयान थे उसकी सच्चाई पर सवाल उठाया। वीरेसियस एक एडजेक्टिव है यानी ईमानदार, सच्चा, सत्यवादी, ये इसके बहुत ही सिंपल और कॉमन जो है वो इसके सिनोनिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रॉबिटी, ट्रुथफुलनेस, इंटेग्रिटी, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा फिर, यानी जो फिर इंसान जो है वो मतलब इसको ईमानदारी का फिर बेईमानी, ठीक है ना, कपट वगैरह, तो ये सारे शब्द हैं यहाँ पे, झूठ बोलने वाला, झूठ, मेंडेसिटी यानी झूठ, अनट्रुथफुलनेस। स्टोरी क्या है देखो जी, इसको अपने पंजाबी में इसका मतलब होता है भाई, ब्रदर, वीरा कहते हैं ना वीरा। तो पूरे शहर में आपका भाई जो है वो फेमस है, ठीक है ना, मान लो उनका भाई पूरे शहर में फेमस है, किस चीज के लिए, सत्य के लिए, यानी भाई ने जो बोल दिया वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो भाई ने अगर कुछ बोल दिया है तो पूरे शहर में उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है कि भाई ने बोला है एकदम सही है, ठीक है। तो वीरा सिटी, जो अगर वीरे ने, साढ़े वीरे ने कुछ कह दिता तो ये गल बिल्कुल सही है, इधर कुछ भी झूठ नहीं है। ओके जी चलते आगे, तीसरा क्वेश्चन है एक,
चलिए जी, मैं आंसर दे रहा हूं फिर। चलो, करण में हौसला तो है, वो आंसर तो दे रहे हैं। चलो जी, कई सारे लोग वो आंटी ढूंढ रहे हैं जो बता दे भविष्य कैसा है। देखो जी, बिल्कुल सही आंसर है जी, करण ने आंसर दिया है, बिल्कुल ओके। कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़े से रिलेटेड। अगर कोई इंसान है तो आप उसको झगड़ालू कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई इंसान है तो उसको आप झगड़ालू कह सकते हैं, और अगर कोई कोई बात है यानी जिससे झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ा करवा देने वाली ऐसा भी हो सकता है जिससे झगड़ा हो जाए। तो एज अ रूल आई टेंड टू अवॉइड, यानी मैं, मेरी प्रवृत्ति रहती है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अवॉइड करूं ऐसे टॉपिक्स जिससे पंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ऑफ कन्वर्सेशन विच माइट लीड टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यही एक, यहां पे हम उसी चीज को अवॉइड करेंगे ना जो नेगेटिव होगी, तो यही एक शब्द है यार जो नेगेटिव है, ठीक है। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बात मान ले, ऑब्लाइजिंग भी एक 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 ऐसी एक ऐसा इंसान है जो बात मान ले। तो ये तो दोनों के दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ ही नहीं सकते, ठीक है। प्रोमिस्क्यूअस जो है वो शब्द ही थोड़ा अलग टाइप का है, वो क्या है हम अभी बता देते हैं। देखिए जी, प्रोमिस्क्यूस के कई मीनिंग है, यानी मिश्रित बोल सकते हैं, जो चीज मिश्रित हो, कई लोगों का उसमें, कई चीजों का, कई लोगों का मिक्सचर हो, अनेक प्रकार का, जिसको अपने बोल सकते हैं ये चीज तो अनेक प्रकार की है। कोई ऐसी चीज जिसमें बुरे भले के विचार, मतलब जिसको अपने अंधाधुंध कहते हैं, बिना सोचे समझे, ठीक है ना। कोई बिना सोचे समझे अगर कोई चीज हुई है तो वो भी ऐसी है, ठीक है। तो इसका कई मीनिंग है इसके। तो पहला मीनिंग ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो करेक्टरलेस है, यानी जब अपने उसको बच्चलन कहते हैं, यानी उसके कई फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं कई लोगों के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जिसको अपने सीधा बोल रहे हैं, अविवेकपूर्ण अंधाधुंध, यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, हर आदमी हर टाइप के इंसान के लिए है वो, सब तरह के लोग उसके अंदर हैं, तो वो एक पॉइंट आ गया। और तीसरी चीज है, एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए पहले, एजुकेशन हैज चीपन्ड, यानी एजुकेशन क्या हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है थ्रू प्रोमिस्क्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्लोमास। इतने सारे कॉलेज खुल गए हैं, इतने सारे कॉलेजों को आवंटन मिल रहा है, एफिलिएशन मिल रहा है, यानी कॉलेज का स्तर क्या हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि अंधाधुंध बिना सोचे समझे कॉलेजेस खोलने के परमे मतलब ऑर्डर दिए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, भी किसी को देना है नहीं देना, हर एक आदमी लिए जा रहा है। कैजुअल और इरेगुलर, यानी जो चीज कैजुअल हो, इरेगुलर हो, ठीक है ना। ही हैज प्रोमिस्कुअस ईटिंग हैबिट्स, यानी कुछ भी खा लेना, कभी खाना ना खाना, तो ये मतलब ये कुछ ऐसा वर्ड है प्रोमिस्कुअस। वीडियो इज पॉजिंग, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या वीडियो रुक रही है, नहीं चल तो रही है अभी। हाँ जी, क्या वीडियो ओके है, चल रही है? हाँ चल रही है, मुझे तो दिख रहा है शायद। चलिए एक सेकंड जी। हाँ, तो अपने इसकी स्टोरी बता देते हैं पहले। देखिए, अब प्रोमिस्क्यूअस वर्ड को, ये तो एडजेक्टिव है और हमें याद रखना है प्रोमिस्क्विटी, दरअसल ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, यहां तक वर्ड लगभग सेम आ रहा है, प्रोमिस्क्विटी और प्रोमिस्क्यूअस, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, घाल मेल कहते हैं ना, ये घाल मोल कर दिया तूने, घोला मोल कर दिया सारा, मिश्रित कर दिया सारा, घाल माल कर दिया बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोमिस्क्यूअस। तो इसकी सीधा मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, सीधा प्रोमिस्क्विटी को अपने क्या कह रहे हैं, प्रोमिस, ठीक है। अपने मान लो कोई लड़का है, वो बिगड़ गया है, उसको जब भी कोई क्यूटी दिखती है, ठीक है ना, कोई क्यूट लड़की दिखती है, तो वो उसके साथ जो है फ्रेंडशिप वगैरह कर लेता है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखना क्यूटी था, वो कुत्ती लिखा गया, कोई बात नहीं, आपको स्टोरी में याद आए तो देख लेना। तो घर वाले उसको प्रोमिस मांग रहे हैं
कि तू हर ऐरे गहरे किसी के भी साथ चला जाता है, उठ जाता है, अंधा धुंध तेरा काम चल रहा है, सोचता नहीं, समझता नहीं क्या हो रहा है, अविवेकपूर्ण काम कर रहा है। तो ये अपनी इस अविवेकपूर्ण वाली काम को बंद कर, प्रॉमिस कर कि बिना सोचे समझे अंधा धुंध किसी के पीछे नहीं भागेगा। प्रॉमिस कर, ठीक है ना, प्रॉमिस कर किसी भी क्यूटी के पीछे नहीं भागेगा। ठीक है, तो स्टोरी से आप कुछ याद रखना है कि वो लड़का क्या है, अंधा धुंध पागलों की तरह बिना सोचे समझे जो है वो सारे काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ में मिश्रण हुआ पड़ा बहुत सारा। तो आई होप ये बात आपको याद रह जाएगी और इससे हमें ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। एक बार फटाफट मैं आपको बता दूं आज की स्टोरीज क्या क्या थी हमारी। ठीक है, पहली स्टोरी हमारी क्या थी, हमने कहा था कुंती वाली, ये कुंती वाली स्टोरी थी हमारी। हमने कहा था कि स्टोरी सुनाती है तो वो आदमी आवाज कैसे मारता भी, रा कुंती आज के हो टूर में स्टोरी सुना दे। ठीक है ना, तो कुंती बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है टूर से वापस आती है जब। फिर हमने बात की थी ये दर्जी वाली कि मीनिंग क्या होता है, इनका शोक गीत होता है सबका ही, एलजी का, दर्जी का, लेमेंट का, शोक करना, विलाप करना। तो स्टोरी क्या थी, एक दर्जी है उसने अपनी वाइफ के लिए इतना जबरदस्त सैड सॉन्ग गाया कि यानी ई ले गई हमारा दिल, और उसके बाद से सब लोग उसको बुलाने लग गए वो शोक गीत गाने के लिए, और लेम बना दिया, लंगड़ा बना दिया ईंट मारकर किसी को, तो अब वो रो रहा है बेचारा कि लंगड़ा बना दिया मुझे। फिर हमने बात की थी डैंडी की, डैंडी का मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्लस वो इंसान जो छबीला हो, नौजवान हो, पूरा मतलब छबीला नौजवान जो पूरा ध्यान रखता हो अपनी लुक्स का। तो इसकी स्टोरी हमने क्या बनाई थी कि दांडी यात्रा एक लड़का कर रहा है अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, तो काम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो दांडी यात्रा शुरू होने से पहले पूरा अपनी लुक्स पे काम कर रहा है कि ताकि फोटो वोटो बढ़िया आए। फिर स्टैम्प पेड यानी भगदड़, तो नोटेरी वाले ने, एक नोटेरी वाले ने स्टैंप बेचने, स्टैंप खरीदने के बदले स्टैंप पेपर खरीदने के साथ साथ पेड़े गिफ्ट करने के लिए अखबार में दे दिया, तो लोग अब क्या है पागलों की तरह आ रहे हैं पेड़े खरीदने के लिए, और भगदड़ मच गई उसकी दुकान पे कि मथुरा के पेड़े फ्री, स्टैंप पेपर खरीदो। फिर हमारा वर्ड था कंजेक्चर और सरमाइज, दोनों का मतलब अनुमान था और जो है पूर्वानुमान अपने कह सकते हैं। तो कंजेक्चर यानी कि कंजक को पैर छू के जाना चाहिए अगर आप टूर पे जाते हो तो इससे दिन अच्छा निकलता है, ये सिर्फ एक विचार था, ऐसी एक धारणा है, इसको धारणा इसका बिल्कुल सही वर्ड बनेगा, याद नहीं आ रहा था मेरे को उस वक्त, धारणा, एक ऐसी धारणा जिसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, और सरमाइज हमने कहा था कि जब आपने देखा कि सर को माइस खा रहे थे तो आपको उसी टाइम अनुमान लग गया भी कुछ गलत है, कुछ संदेह हो गया भी कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, फिर अपने ये आंटी से पेट वाली कहानी थी कि आंटी जो है वो पेट पे हाथ लगा के बता देती है कि क्या होने वाला है, पहली बता देती है तो लोग बोलते हैं जा आंटी से पेट चेक करा ले जा। और ये हमने वीरा सिटी बोल दिया कि आपका जो वीरा है भाई है वो पूरे शहर में किस लिए मशहूर है, अपनी ईमानदारी के लिए। और लास्ट हमने वर्ड किया था प्रोमिस्क्यूअस यानी प्रोमिस्क्यूटी, प्रोमिस्क्यूटी से हमने याद रखा बिना सोचे समझे कुछ करना, कोई भी ऑर्डर नहीं, कुछ ध्यान नहीं रखना, तो प्रॉमिस करोगी क्यूटी के पीछे नहीं जाओगे। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे, आपका एक शेयर यानी जिंदगी बना सकता है किसी की, ठीक है मेरी तो बनी जाएगी, चलो तो कोशिश करो भी अगर ऐसा कोई इंसान है जो नहीं लाइव मतलब जो नहीं पैसे देके क्लास अटेंड कर सकता, और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है पहली बात तो आपको लगता है भी हाँ हमें कुछ याद हो रहा है और किसी और को याद हो सकता है, तो फिर पक्का 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 इसे शेयर कीजिए। सो गाइज मिलते हैं कल आपसे 8 बजे अपनी ग्रामर वाली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।